आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज पणजी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर आज पणजी में भाजपा के राज्य मुख्यालय में रखा गया था। केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, श्रीपद नाइक, सांसद नरेंद्र स्वाइकर और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री पर्रिकर का पार्थिव शरीर पणजी की कला अकादमी में ले जाया गया, जहां लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्री पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज शाम मिरामार बीच के पास किया जाएगा। लोग बड़ी संख्या में अपने प्रिय नेता की झलक पाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। गोवा में आज से 24 तारीख तक 7 दिन का शोक रखा गया है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन का समाचार मिलते ही प्रदेश में भी शोक की लहर छा गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्री पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने श्री पर्रिकर के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें असाधारण नेता बताया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज के अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 91 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान कराया जाएगा, उनमें अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, उड़ीसा की 4, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 2 सीटों सहित छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीट शामिल है। इसी के साथ आज ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश के साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल में आज शाम 8:15 पर सुनिए होली त्योहार पर आधारित कई रोचक जानकारियां। इसके पहले 8 बजे से प्रादेशिक समाचार दर्शन के जरिए जानिए प्रदेश भर के जिलों की तमाम गतिविधियां। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल आज शाम फेसबुक लाइव के जरिए प्रदेश के मतदाताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान श्री अग्रवाल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे। वे निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों के जवाब भी देंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के फेसबुक पेज सीईओ एमपी इलेक्शंस पर कॉमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। भिंड जिले में मकान के बाहर एक नाली को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बीच गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अटेर थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव में 2 परिवारों के बीच नाली को लेकर पिछले 1.5 साल से विवाद चल रहा था। इस बीच दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ और फिर लाठी डंडों के साथ फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसमें कल्लू भदौरिया और सोनू भदौरिया की गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस पूरे मामले की गंभीर भीता से जांच कर रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की सुपुत्री कलापिनी कोमकली का शास्त्रीय गायन आज शाम 6:30 बजे भोपाल के रविन्द्र भवन में होगा। इस अवसर पर अमन मलक एकल हारमोनियम वादन भी प्रस्तुत करेंगे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर घोषित राष्ट्रीय अवकाश के मद्देनजर आयुध निर्माण दिवस पर आज जबलपुर में होने वाले सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया है। नरसिंहपुर जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। जबलपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए मतदान जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। ग्वालियर जिले में थर्ड जेंडर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 24 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।